नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। महबूब देश, आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सबसे पहले बात करते हैं मैनपुरी की, जहां डिंपल यादव की जीत में शिवपाल सिंह यादव की भूमिका बेहद खास रही। अब अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देने के संकेत दिए हैं। इटावा के सैफई में उन्होंने चाचा के नाम ये बड़ा संदेश दिया। आखिर ये जिम्मेदारी किस तरह की होगी ये साफ नहीं है, लेकिन इस संदेश के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल पर सवाल खड़े करने वाले भाजपा सांसद सुब्रत पाठक पर भी आज चुभने वाला पलटवार किया है। आखिर अब चाचा भतीजे के नए सिरे के साथ आने के बाद समाजवादी राजनीति की राह क्या होगी, ये चर्चा का विषय बना है। और उसके साथ ही आज सीएम योगी एक बड़े बयान ने उनकी सुर्खियां बटोर ली। उन्होंने कानपुर में सख्त कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की, डकैती डाली, तो अगले चौराहे पर भागने से पहले ही उसकी सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले ही पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। इस बयान पर सियासत भी गर्मा गई है। आज इन तमाम खबरों के हर चुभने वाले पहलू का मैं पूरा विश्लेषण करूंगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बात तो चुभे। उपचुनाव के नतीजे सपा गठबंधन का उत्साह बढ़ाने वाले हैं तो सत्ता में काबिज भाजपा को झटका देने वाले हैं, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ऐसे वक्त में आए हैं जब निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। दूसरा, उपचुनाव के नतीजों से संदेश गया कि अगर विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े तो भगवा ब्रिगेड का विजय रथ रोका जा सकता है। और इस नतीजे के बाद सपा जश्न मना रही है तो भाजपा महामंथन में जुटी है। दूसरी तरफ 2024 की रणनीति को लेकर जुबानी संग्राम और तेज हो गया है। चुनाव के नतीजों से 2024 का एजेंडा तय। जीत की हकदार हमारी मैनपुरी की जनता है, जिन्होंने हमारे श्रद्धेय नेता जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये जीत हमें दी है। मनी मुलायम सिंह जी यहाँ सांसद थे, अब उनकी पुत्र वधू हो गई, कोई लोकसभा के ऊपर कोई असर पड़ना है वो नहीं पड़ना, न प्रदेश में कोई असर पड़ना है। अगर उनने हमारी छीन ली तो हमने उनकी रामपुर छीन ली। जीत से बढ़ा जोश, हार से बढ़ी टेंशन। जिन लोगों ने कोशिश की और जिन लोगों ने जनता को डराया, धमकाया, वोट नहीं देने दिया, उनके मुंह पे भी एक जोरदार तमाचा है ये। और मुझे लगता है कि जनता अब उन्हें 24 में बहुत अच्छा सबक भी सिखाने वाली है। जब सपा और गसपा का गठबंधन था तब कुल 5 सीट जीत पाई थी, अब तो 1-2 सीट ऐसे ही मिल जाएंगी। जीत के फॉर्मूले और हार की वजह पर मंथन। भाजपा को कोई ऐसा तो नहीं 10,000 वोट मिला, लाखों वोट मिले हैं भाई साहब। भाजपा वालों का संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो जनमत मिला है जनता ने दिया है, और जब जनता जनमत देती है तो उसको हर आदमी को स्वीकार करना चाहिए। पूरब से पश्चिम तक का आर पार संदेश। अरे, सबके लिए गर्व की बात है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ काम करने का अवसर योगी जी के नेतृत्व में रामपुर की महान जनता ने दिया है। अगर प्रशासन किसी भी क्षेत्र में जाके वोट रोकेगा और लटके बल पर वोट नहीं पड़ने देगा तो परिणाम तो बदलेंगे। कोशिश तो मैनपुरी में भी की, कोशिश खतौली में भी की, लेकिन यहाँ उनकी कोशिश जो कामयाब नहीं हो पाई। जाति जमात के समीकरणों की मोर्चाबंदी शुरू। मैनपुरी से रामपुर तक बयानों का तीखा संग्राम। एक भय का माहौल वहां बना के रखा था कि अगर भाजपा आ जाएगी तो आपको नुकसान करेगी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल जिला है हमारा। हमें हराया गया है, ये गौर करने की बात है। और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर जो हमने अचीव किया है खतौली में और मैनपुरी में, आगे उस
पैटर्न पे हम लोग काम करें। नतीजे आ गए, नहीं थमा घमासान। और ये जो हुआ लोगों के मन में बना रखा है कि इन्हें हराया नहीं जा सकता, अगर हम सकारात्मक प्रचार करेंगे, टूट टूट जाएंगे, मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल मिलेगा। जो विरोधी है वो कुछ भी कह सकते हैं, आरोप लगा सकता है, और हारने वाले पर दुनिया भर के आरोप लगते हैं। अगर हम चुनाव जीत जाते तो हम बहुत अच्छे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां जमीन पर नहीं उतर रही हैं, जिससे लोग त्रस्त हैं, उसके खिलाफ एक ही मैंडेट है। उपचुनाव के लॉन्च पैड से 2024 की उड़ान। बात तो चुभेगी। तो चाचा शिवपाल पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के तीखे हमले पर अखिलेश यादव बिफर पड़े हैं। सुब्रत पाठक ने कल कहा था कि चुनाव से पहले शिवपाल भाजपा से मैनपुरी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें साफ मना कर दिया और इस पर अखिलेश ने उन पर तीखा तंज कर डाला। तंज भी ऐसा कि पलटवार में सुब्रत पाठक ने जरा भी देखा। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला सबसे कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। चाचा शिवपाल पर भाजपा के तीखे हमले पर अखिलेश यादव ने दो टूक पलटवार किया। मैं आपको बता दूं, एक मुंह में भरा हुआ खैनी खाने वाला सबसे कम उसे खैनी छोड़ देनी चाहिए। जो पान भर करके लोकसभा में कन्नौज और आसपास के विकास के लिए एक बात नहीं कर सकती। कन्नौज में एक्सप्रेस वे किसने बनाया? अखिलेश के ये शब्द भाजपा के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक के तीखे तंज के जवाब में है। जब वो मुंह में इतना मसाला भर लेंगे तो वो कन्नौज के लिए विकास क्या मांगेंगे? और यहाँ तो मैं जानता हूँ इटावा में उनकी रिश्तेदारियां हैं, बहुत रिश्तेदारियां हैं इटावा में, और इटावा में भी जानते होंगे रिश्तेदारी वाले लोग कि कितना विकास समाजवादियों ने कराया है। इसलिए जिनका नाम आप ले रहे हैं उनसे कहना आप खुद के पान खाना छोड़ दें, मुंह में भरा हुआ जो चीजें हैं वो छोड़ दें और कन्नौज के विकास पे ध्यान दें। दरअसल मैनपुरी में डिंपल यादव की बड़ी जीत के बाद गुरुवार को कन्नौज से भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने शिवपाल यादव पर तीखा हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि शिवपाल यादव ने भाजपा से मैनपुरी का टिकट मांगा था, भाजपा ने नहीं दिया तो भतीजे से कलबहियां की। शिवपाल सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो किया नहीं। शिवपाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कितने प्रयास उन्होंने किए, भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको शामिल किया ना टिकट दिया। यही चुनाव में टिकट मैनपुरी लोकसभा से मांग रहे थे उपचुनाव में, मैनपुरी से भी उनको टिकट नहीं दिया। शिवपाल सिंह को अखिलेश यादव ने क्यों अलग किया? ये बात पहले कभी सामने नहीं आई कि शिवपाल सिंह यादव टिकट मांग रहे थे भाजपा से। उनका इस प्रकार का सर था कि अगर भाजपा उनको टिकट दे दे वो आज वो भाजपा में आ जाए तो ये उनका चीजें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनको लेने का कोई शौक नहीं था। चाचा शिवपाल पर सुब्रत पाठक के इस हमले के 24 घंटे के भीतर ही अखिलेश ने सीधे सैफई से भाजपा पर तीखा हमला बोल दिया। अखिलेश ने ऐलान कर दिया कि चाचा शिवपाल को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। चाचा जी, चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। अखिलेश यादव ने जिस तरह से चाचा शिवपाल पर उठाए गए सवाल का जवाब देने के लिए आक्रामक अंदाज दिखाया, वो चाचा भतीजे के बीच नई राजनीति की नई केमिस्ट्री का साफ इशारा कर रहा है। अखिलेश के इस तीखे हमले के बाद सुब्रत पाठक का पलटवार भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर सपा अध्यक्ष को जवाब देते हुए लिखा कि पान का प्रयोग हम हिंदुओं की पूजा में होता है। अखिलेश यादव जी, इसमें सुपारी, कत्था, लौंग, इलायची और कन्नौज के पवित्र फूलों के इत्र पड़ते हैं, अच्छा हो आप वोदका पीना छोड़ दें ताकि आपकी बुद्धि ठीक रहे। निजी जीवन के आपके बहुत से किस्से कन्नौज में आज भी हैं। हेलो कानपुर अखबार भूल गए? इससे पहले अखिलेश यादव ने डिंपल यादव की बड़ी जीत के लिए चाचा का खुलकर धन्यवाद किया था। इसके साथ ही सपा में प्रसपा का विलय भी हो चुका है। ऐसे में अब अखिलेश और शिवपाल की नई जोड़ी समाजवादी राजनीति का आक्रामक अभियान शुरू कर सकती है और इसका अनुमान विरोधियों के हमले पर पलटवार से साफ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा के लिए इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मैनपुरी में चुनाव का समापन हो गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, सियासी नूरा कुश्ती भी लगातार जारी है। मैनपुरी में चुनावी राजनीति क्लाइमेक्स सामने आ चुका है। अब सपा की जीत को भाजपा धनबल की जीत बता रही है।
पार्टी का आरोप है कि सपा ने चुनाव प्रचार में गलत तरीके से 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक राम नरेश अग्निहोत्री सहित कई नेताओं ने सपा पर बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। इस पर अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया है और इस पलटवार के साथ हिसाब बराबर हो गया है। उन्होंने कहा कि रुपए कौन पैदा कर रहा है ये सब जानते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैनपुरी का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा जिसके घर पुलिस न बनी बच पहुंची हो। साम दाम दंड भेद का प्रयोग बीजेपी ने किया है, लेकिन यह आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। मेरा तो सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम 150 करोड़ का ये चुनाव लड़ा है। गांव-गांव शराब बांटी है, गांव-गांव पैसा दिया है। तो धनबल का इस्तेमाल नहीं हुआ इन नेताजी के प्रति। मैनपुरी की जनता की एक श्रद्धांजलि थी, उनके प्रति एक लगाव था जो नेताजी ने जिंदगी भर वहाँ के लोगों के बीच में काम किया। मैनपुरी की चुनावी राजनीति में सपा की रिकॉर्ड जीत भाजपा की नजर में रुपए की ताकत का इस्तेमाल कर हासिल की गई है। आरोप है कि सपा ने मैनपुरी उपचुनाव में गलत तरीके से 150 करोड़ रुपए खर्च किए। नहीं, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। अब मैं कैमरे के सामने उन्हें कह भी नहीं सकता हूँ जब तक कोई साक्ष्य न हो क्या क्या हुआ है। धनबल और बाहुबल और दारूबल क्या क्या हुआ है। नहीं, आपने आरोप तो लगाए थे साड़ियाँ बांटी जा रही हैं, पैसा बांटा जा रहा है। केशव जी कह रहे थे कि धनबल का खेल है कि पैसा ले लेना लेकिन वोट मत देना। वो सब हुआ है ना, तो अब सबके कारण जैसे परिणाम चौंकाने वाले आए। यूं तो सपा पर भाजपा की ओर से धन बल का इस्तेमाल करने का आरोप नया नहीं। चुनाव प्रचार के दौरान ही भाजपा के नेता मंच से बोल रहे थे कि सपा के नेता शराब और रुपए बांटने में जुटे हैं। ऐसे ही आरोप सपा भी भाजपा पर लगा रही थी। उसने चुनाव के दिन बकायदा एक वीडियो भी जारी किया था। अब चुनाव का चैप्टर खत्म हो चुका है तो भाजपा ने आरोपों की शक्ल में विवाद का नया अध्याय खोल दिया है। एक एक गांव में तीन तीन जगह बस्ते के नाम पर लोगों को पैसे दिए हैं, 10-10 हज़ार, 25-25 हज़ार, कहीं कहीं 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए दिया कि वो बांटिए, मतदाताओं को प्रभावित किया। एक तो ये उपचुनाव था, आम चुनाव में मोदी जी योगी जी का नाम होता है, निश्चित ही वो हमारे नेता हैं। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा पूरे दमखम से उतरी थी। यादव समाज के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी शाक्य समुदाय से आने वाले रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कई दिनों तक मैनपुरी में डेरा डाले रहे। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें कर रणनीति तैयार की। सीएम योगी ने भी 2 जनसभाएं की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कई जनसभाएं की। बावजूद इसके भाजपा न सिर्फ जीत से बहुत दूर रह गई बल्कि वोट प्रतिशत के मोर्चे पर भी उपचुनाव के नतीजे भाजपा को झटका देने वाले हैं। तो प्रशासन तो निर्वाचन आयोग के दबाव में रहता है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी पेशबंदी कर रहे थे, आपको मालूम है, इधर पैसा बंटवा रहे थे, शराब बंटवा रहे थे, उधर पेशबंदी कर रहे थे कि भाजपा की सत्ता। हम लोग कभी मिसयूज ऑफ पावर करते ही नहीं है। हम लोग मिसयूज ऑफ पावर करते तो क्या चुनाव जीतते ये लोग? सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, सरकार उनकी, प्रशासन उनका। जब उन्होंने अपना जितनी भी ताकत लगा सकते थे, वाकई में अगर सच्चाई हम कहें तो जो आरोप लगा रहे हैं, जो उन्होंने जो सारी चीज इस्तेमाल उन्होंने इस चुनाव में की, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इस्तेमाल की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने उन्हें नकार दिया। और खास तौर पर वो जिस रास्ते पर चुनाव को ले जाना चाहते थे। मैनपुरी लोकसभा चुनाव में साल 2019 में भाजपा को करीब 44.1% वोट मिले थे, जबकि ताजा उपचुनाव में सिर्फ 34.18% वोट मिले। मतलब वोट प्रतिशत के मोर्चे पर भाजपा को 10% का झटका लगा है। माना जा रहा है कि भाजपा को मैनपुरी में मिले वोट प्रतिशत का ये आंकड़ा बेहद चुभ रहा है और वो सपा को घेरने के लिए आरोपों का नया पुलिंदा तैयार कर रही है।
आरोपों की ये बौछार बयां करने को काफी है कि चुनाव भले ही खत्म हो गया हो लेकिन मैनपुरी का घमासान अभी थमने वाला नहीं है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैनपुरी के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की लड़ाई में अखिलेश यादव के साथ शिवपाल यादव की भूमिका बराबर की रही है। ऐसे में अब जीत की बधाई के लिए पोस्टर छप रहे हैं तो पोस्टर्स पर शिवपाल यादव को भी जगह बड़ी मिल रही है। हर एक पोस्टर में शिवपाल यादव को नेताजी के साथ जगह दी गई है। हालांकि बसपा के सपा में विलय के बाद अब तक साफ नहीं है कि सपा में शिवपाल यादव की भूमिका क्या होगी, लेकिन बधाई संदेश वाले पोस्टर्स में शिवपाल यादव को जगह मिली है उससे काफी हद तक ये साफ हो चला है कि आने वाले दिन शिवपाल के अच्छे हैं, यानी कि उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर लगी इन होर्डिंग्स में आने वाले दिनों में सपा में शिवपाल यादव की भूमिका का संदेश छिपा है। हर एक पोस्टर में शिवपाल यादव को नेताजी के साथ जगह दी गई है। इस पोस्टर को देखिए, सपा के झंडे के साथ अखिलेश और डिंपल की तस्वीर है, जबकि अखिलेश और डिंपल के ठीक ऊपर एक और नेताजी और दूसरी ओर शिवपाल यादव को जगह दी गई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, इस शुभकामना संदेश में एक और अखिलेश यादव और डिंपल यादव को जगह दी गई है, जबकि दूसरी ओर नेताजी के साथ शिवपाल यादव की तस्वीर है। शुभकामना संदेशों के साथ सपा मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स की संख्या दर्जनों में है और हर एक पोस्टर में शिवपाल यादव की जगह नेताजी के पास है। मैनपुरी में डिंपल यादव की शानदार जीत के बाद में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए गए हैं जिन पर डिंपल यादव को बधाई दी गई है। आप देख सकते हैं समय सपा कार्यालय के बाहर का जो नज़ारा है, इस पूरी सड़क पर आपकी नज़र जहां भी जाएगी ऐसे ही होल्डिंग लगे हैं जिन पर डिंपल यादव को मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में जीतने पर बधाई दी गई है। और इन होल्डिंग्स पर एक खास चीज़, और जिस तरह से मैनपुरी के नतीजे आने के बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, अपनी पार्टी प्रसपा का सपा में विलय कर दिया, उसके बाद यहां पर अब जितने भी होल्डिंग लग रहे हैं उन पर शिवपाल यादव की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। और ख़ास बात ये कि जहां भी ये तस्वीर है वो मुलायम सिंह यादव यानी जो नेताजी, उनकी तस्वीर के बगल में दिखाई गई है। आप जितने भी होल्डिंग हैं उन्हें देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन पोस्टर्स में शिवपाल यादव को जो जगह मिली है, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को भी वो जगह नहीं मिली। हर एक पोस्टर में रामगोपाल यादव की तस्वीर तो जरूर है लेकिन किसी कोने में ही नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अब खुलकर मैनपुरी में जीत का क्रेडिट शिवपाल यादव को दे रहे हैं। गुरुवार को मैनपुरी में जीत के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शिवपाल यादव की अहमियत का बखान किया था। बहुत कोशिश की प्रशासन ने, आप भी जानते हैं, हमारे तमाम नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस रात भर ढूंढती रही, एजेंट न बन जाएं, ये साजिश रचते रहे। जसवंत नगर के ब्लॉक प्रमुख, उसके घर दबिश पुलिस कूद गई बाउंड्री पार करके, वहाँ पर तो मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा जसवंत नगर के विधायक चाहे शिवपाल यादव जी को, जो मौके पर पहुँचे, कम से कम मनोबल बढ़ाया। मुझे खुशी है कि जसवंत नगर ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब ये कि आने वाले दिनों में सपा में शिवपाल यादव की भूमिका बड़ी होने वाली है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं कि शिवपाल यादव को पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिलेगी। इस बीच मुलायम सिंह के भाई राजपाल यादव ने साफ लफ्जों में कहा कि शिवपाल यादव की जिम्मेदारी कुछ भी हो कद अखिलेश यादव के बराबर होगा। शिवपाल कहते रहे थे बराबर एक जिम्मेदारी उन्हें मिलनी चाहिए, मिलेगी मिलेगी, किस तरह की बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। अब वो आगे हो जाने कैसी मिलेगी, हम लोग तो सब एक होकर करेंगे, कोई शिवपाल में और अखिलेश में कोई अंतर थोड़ी है। जाहिर है मैनपुरी में जीत के बाद समाजवाद के फलक पर शिवपाल यादव की शख्सियत बड़ी हो चली है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं खतौली की। खतौली में जीत से ज्यादा जैन चौधरी को रामपुर में सपा की हार का दुख है। दरअसल खतौली में जीत के तुरंत बाद जैन चौधरी ने खतौली में जीत का जश्न न मनाने की बात कही और इसके पीछे उन्होंने रामपुर में आसिम राजा की हार को कारण बताया। अब जैन चौधरी के इस कदम के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।
माना जा रहा है कि जयंत चौधरी जाट गुर्जर आबादी के साथ मुस्लिम मतदाताओं का गठजोड़ बनाने की कोशिश में। रामपुर में सपा की करारी हार हुई। आजम खान के करीबी आसिम राजा भाजपा के चक्रव्यूह को भेद नहीं सके, लेकिन इस हार का सबसे ज्यादा दुख जयंत चौधरी ने जताया। रामपुर की हार को किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कल आपने ट्वीट भी किया था कि मैं जश्न नहीं मनाऊंगा क्योंकि रामपुर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। देखिए, बात रामपुर एक सीट की नहीं है, एक विधायक की सीट की नहीं है। हम हार जाए कोई बात नहीं, किन परिस्थितियों में हमें हराया गया है ये गौर करने की बात है। और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर जो हमने अचीव किया है खतौली में और मैनपुरी में, और आगे उस पैटर्न पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। जनता के मत को, जनता के भावनाओं को दबाया गया, कुचला गया है। पुलिस प्रशासन जिसको स्वतंत्र रहना था और चुनाव आयोग के निर्देशन में काम करना था, या तो चुनाव आयोग की ढील रही। सपा के गठबंधन सहयोगी और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जिस तरह रामपुर की हार की वजह से खतौली में अपने उम्मीदवार की जीत का जश्न नहीं मनाने का ऐलान किया, उसके पीछे सियासत तलाशी जा रही है। दरअसल खतौली में प्रचार की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद जयंत चौधरी ने रामपुर में आसिम राजा के लिए प्रचार किया था। आजम खान के हाथ मजबूत करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सपा की जीत न हो सकी। भाजपा की मोर्चाबंदी के आगे आसिम राजा को मात मिली। जैसे ही रामपुर में आसिम राजा की हार की खबर आई, रालोद ने फौरन ऐलान कर दिया कि खतौली में अपनी जीत का कोई जश्न नहीं मनाएंगे। रालोद के जश्न मनाने से तौबा तौबा करने के इस ऐलान को 2024 के लोकसभा चुनाव के वोट समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए ये घोषणा की। दरअसल पूरे यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं, जबकि पश्चिमी यूपी की बात करें तो यहां के 20 जिले में मुस्लिम आबादी 1/4 यानी करीब 25% है। खतौली में जाट मुस्लिम गुर्जर और दलित समीकरण को रालोद की जीत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। अब जयंत चौधरी सपा के साथ मिलकर मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह अपने गठबंधन के पाले में लाना चाहते हैं, जिस पर इन दिनों बसपा की मजबूत दावेदारी हो रही है। वहीं सपा रामपुर की हार की वजह से खतौली में जश्न नहीं मनाने को साधारण मामला बता रही है। मुद्दा इनके पास कोई है नहीं। खतौली में अगर बात करें तो मुद्दा इनका वही घिसा पिटा आया, कबाल कबाल का बवाल। अब कितने दिनों लोगों को बहकाओगे कबाल के नाम पर? अगर कबाल की बात करनी है तो उसकी माँ से पूछते, वो तो तुम्हारे खिलाफ आके चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के उसने कहा कि हमें ये इस्तेमाल करते हैं, सरकार थी उसे ज़ोर ज़बरदस्ती बिठा लिया गया, वरना जो उसकी दिल की बात थी वो तो उसने चुनाव में ऐलान करके उसने सामने साफ कर ही दी थी। उधर भाजपा का दावा है कि रालोद और सपा चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन अब मुस्लिम वोटर किसी एक दल की परिक्रमा नहीं करने वाला। दावा है कि खतौली में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया है। ये सबका साथ और सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो मोदी जी और योगी जी ने सबके समान योजनाएं बनाई, आवास दिए, और रामपुर के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो लाभार्थी हैं अल्पसंख्यक समाज के, और इसके साथ साथ एक सरकार के प्रति जो लोगों का भरोसा बढ़ा है, और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी पार्टी आज हुई है। माननीय अध्यक्ष हमारे भूपेंद्र चौधरी जी ने लगातार वहां पर कैंप किया, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे, और आज ये जीत उन्हीं कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सब लोगों का जो मिलकर के एक ध्येय बनाया था कि भाजपा को जीतना है और इस किले को फतह करना है। भले ही समाजवादी पार्टी और रालोद के नेता अभी अपनी रणनीति को खुलकर सामने नहीं रख रहे, लेकिन संदेश देने में कोई हिचक नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 22% है, जिसकी वोट की ताकत ने कई बार बसपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। अब इसी दलित आबादी के वोट बैंक पर आधार बनाकर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने बड़ा ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि आने वाले चुनाव में सपा गठबंधन भाजपा की हार की स्क्रिप्ट लिखेगा। चंद्रशेखर ने यह दावा खतौली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद किया, जहां माना जा रहा है कि दलित समाज ने भाजपा को
नकार दिया। दलित वोट बैंक की धुरी पर खतौली में रालोद की जीत से गदगद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भाजपा के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है, जिसके केंद्र में है 2024 का लोकसभा चुनाव। देखिए, ये गठबंधन पश्चिम में बड़ा निर्णायक है। पश्चिम की 19 सीटों को ये गठबंधन प्रभावित कर सकता है, और इतना प्रभावित कर सकता है कि बीजेपी के, जैसे मैंने यहाँ खतौली में कहा, सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे इस गठबंधन को के सामने। अगर ये पश्चिम में गठबंधन, और गठबंधन क्योंकि ये दिलों का गठबंधन था, मैं समझता हूँ जनता ही विजय रथ चलाती है और जनता ही रोकती है। जनता में उनके कार्यों के प्रति विरोध है। उत्तर प्रदेश की आबादी में दलित समाज की हिस्सेदारी करीब 22% है, जबकि पश्चिमी यूपी में दलित मतदाताओं की संख्या करीब 26% है। खतौली विधानसभा क्षेत्र में भी दलित मतदाताओं की संख्या खासी है, जिस पर दावा है कि रालोद के लिए चंद्रशेखर के प्रचार ने खतौली में चुनावी नतीजों की सूरत बदल दी। हालांकि यहां एक तथ्य ये भी है कि खतौली में चुनाव प्रचार के साथ चंद्रशेखर रामपुर भी गए थे। रामपुर में अखिलेश और आजम के साथ मंच साझा किया था। भले इस साल के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर की अखिलेश यादव के साथ गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई थी, पर रामपुर की रैली में जिस तरह अखिलेश ने चंद्रशेखर को खास अहमियत दी, उससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की जंग में पश्चिमी यूपी में विपक्षी गठबंधन में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। अब तो ये जानते हैं कि दलित समाज का जो वोट है, मुझे गर्व है कि उन्होंने मेरे सम्मान का ख्याल रखा, मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। किसान कमेरों के साथ दलित समाज के लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ खतौली का, कि उन्होंने इस विश्वास को बना के रखा और उन्होंने इस सम्मान को बढ़ाया। अच्छा, बर्थडे का गिफ्ट तो मिल गया? हाँ, बर्थडे गिफ्ट तो उन्होंने मुझे दे दिया, मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने कल ही मदन जी आए थे, मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि भाई अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि उस क्षेत्र में पड़ने वाला कोई गाँव, चाहे आपको वहाँ से वोट मिली या नहीं मिली, लेकिन अगर उनका कोई काम हो तो आपको उनके बीच रहना। चंद्रशेखर आजाद साफ कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो गठबंधन तैयार हुआ था वो आगे भी जारी रहेगा। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को रोकने का काम करेगा। जयंत चौधरी का भी यही ऐलान है। तो निकाय चुनाव में भी हम और जयंत जी अभी बैठेंगे और पार्टी स्तर पर फैसले लेंगे, और क्योंकि निकाय चुनाव और तमाम तरह की चीजों से बड़ा है देश। अगर 51% सहमति, देखिए दो बाप बेटे में भी सब बातों पर सहमति नहीं होती, और परिवार के और लोगों में भी सब बातों पर सहमति नहीं होती है। सबके आचार विचार अलग होते हैं, खान पीन अलग होता है, पसंद अलग होती है। तो 51% सहमति अगर आपकी बन रही है तो आप बिल के राजनीति कर सकते हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने 1949 के एक अपने स्पीच में लखनऊ में कहा, इसी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के। मुश्किल होता है, दोनों पार्टी की अपनी अलग अलग उम्मीदें होती हैं वर्कर्स की, और हर चुनाव में चीज़ें सामने आती हैं, फ्रिक्शन होता है, तनाव भी पैदा होता है। लेकिन अगर आपस में विश्वास हो और एक बड़े तस्वीर को बनाने के लिए आप साथ जुटे हों, तो छोटी मतभेदों को, छोटी छोटी बातों को आप तरजीह नहीं देते। उसी तरह से बहुत गंभीर तरह से अखिलेश जी ने निर्णय लिए हैं, फैसले लिए हैं, गठबंधन को मजबूत किया है, विश्वास जताया है। और अब हमें खुशी ये भी है कि आज़ाद समाज पार्टी एक बहुत बड़ी एक सामाजिक ताकत है जो हमारे साथ जुटी है। उम्मीद करते हैं कि हम इस गठबंधन को आगे और मजबूत करेंगे, आगे ले जाएंगे। उपचुनाव के नतीजों ने चंद्रशेखर आजाद की अहमियत बढ़ा दी है। जयंत चौधरी के बयान से साफ है कि रालोद को भी यकीन हो चला है कि अगर बसपा का वोट बैंक माने जाने वाले दलित समाज को अपने पाले में लाना है तो मोर्चे पर चंद्रशेखर को लाना ही होगा। इसे बसपा की रणनीति की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसकी नजर पश्चिमी यूपी में दलितों और मुसलमानों को एक साथ लाकर नया समीकरण तैयार करने पर है। एबीपी गंगा के लिए सहारनपुर से समित शर्मा और दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार ने दो बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, क्या रामपुर के मतदाताओं पर आजम खान पकड़ ढीली हो चुकी है, और दूसरा कि क्या भाजपा के प्रति मुस्लिम मतदाताओं का नजरिया बदल चुका है। समाजवादी पार्टी की हार के बाद से चर्चा इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द है, और सियासत में बहस भी, क्योंकि रामपुर मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहां मुस्लिम आबादी करीब 60% है और आजम खान रामपुर से 10 बार विधायक चुने गए हैं। आप
आजम खान के गढ़ में सपा की हार के बाद क्या रामपुर में सियासत का रंग बदल गया है? लेकिन आज 50 साल पुरानी जो रात थी वो रात बीत चुकी है, नया सवेरा होने को है। और मैं समझता हूँ इतना अच्छा चुनाव मेरे ख्याल से इतिहास में पहला रहा है, क्योंकि भारी मतों से जो इतिहास मतलब पहले कभी नहीं जीत पाई भाजपा, वहाँ पर भारी मतों से हमारे प्रत्याशी वहाँ जीत के गए हैं और सब उनका सिरे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमें हराया गया है, ये गौर करने की बात है। और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर जो हमने अचीव किया है खतौली में और मैनपुरी में और आगे उस पैटर्न पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। रामपुर की राजनीति में अगर आजम की हैसियत न सांसद की रही और न विधायक की, जिस सीट पर दशकों तक कब्जा जमाए रखा वहां अपने करीबी तक को जिता न सके, तो क्या उनका सियासी वजूद उसी तरह कायम रह पाएगा जैसा पिछले 45 सालों से रहा है? रामपुर उपचुनाव के नतीजों के बाद ये सवाल राजनीति की रणभूमि की तपिश बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमने पहला वादा ये किया था कि हिंदू और मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, एक वादा हमने पूरा किया। दूसरा वादा हमने ये किया था कि जिस तरीके से रामपुर एक ज़माने में उद्योगों के मामले में कानपुर के बाद दूसरे स्थान पर था, हमने ये वादा किया था कि रामपुर हमारा उद्योग नगरी के नाम से जाना जाएगा। अब इस 50 महीने के इस कार्यकाल में इसमें लगेंगे और हम रामपुर की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि ये 50 महीने उन बीते जो रातें थी 50 साल उस पर बहुत भारी साबित होंगे, यहाँ उद्योगों की गंगा बहेगी, ऐसा हमारा विश्वास। देखिए, वहाँ पहले जो पार्टियाँ रही हैं, चाहे सपा हो, जब कांग्रेस हो और जब बसपा हो, है ना, एक भय का माहौल वहाँ बना के रखा था कि अगर भाजपा आ जाएगी तो आपको नुकसान करेगी, क्योंकि मुस्लिम बाहुल जिला है हमारा। लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी और मैं वहाँ से जब से लोकसभा सदस्य बना तो मैंने सबको जोड़ने की कोशिश की, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको सबके लिए मैंने काम किए। भाजपा की इस कामयाबी में उसकी सटीक रणनीति और आजम को गढ़ में घेरने का चक्रव्यूह खासा अहम है। इसके साथ ही आसिम राजा की हार में बड़ा हाथ सपा के बागियों और आजम खान के विरोधियों का रहा है। आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत खान शानू ने चुनाव के दौरान जहां आजम से बगावत कर भाजपा का दामन थाम लिया, तो वहीं उनके बेहद भरोसेमंद शाहजेब खान भी भाजपा से जा मिले। इसे भी सपा की हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रामपुर रामपुर वालों का है और रामपुर वालों ने इस बार अपनी तरक्की के बारे में सोचा है, अपने खुद के तरक्की के बारे में सोचा है, विकास के बारे में सोचा है। अब्दुल अब विकास का हिस्सा बनने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल हर घर में खिला है। रामपुर ये वो बदनसीब शहर है जिसने तरक्की के इस दौर में जितनी सरकारें रहीं, जो लोग भी सत्ता में रहे, उन्होंने रामपुर के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। रामपुर में बागी समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मशहूर अहमद मुन्ना ने भी आजम खान और सपा प्रत्याशी आसिम राजा का विरोध किया और भाजपा की मदद की। अब सवाल है कि चुनावी राजनीति में हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। हार जीत होती रहती है तो फिर आखिर रामपुर की इतनी चर्चा क्यों? जिस तरह भाजपा इस जीत को भुनाने में जुटी है उसके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा इशारा मिलता है। आज उसी का नतीजा है कि सब लोग मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से नुकसान नहीं होने वाला। जो हमारी जो माननीय मोदी जी की योजना है सरकार की, या माननीय योगी जी की सरकार की योजना है, उसका लाभ हमारे सब, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू, सबको मिल रहा है उसका। समाजवादी पार्टी के लिए ये हार हैरान करने वाली है तो भाजपा के लिए नई उम्मीद जगाने वाली। उम्मीद इस बात की कि अब भाजपा मुसलमानों के लिए अछूती नहीं रही। भाजपा रामपुर की लोकसभा और विधानसभा सीट पर लहराते अपने परचम का जिक्र कर विरोधियों को इस बात की याद दिला रही है कि अब उसे मुस्लिम विरोधी पार्टी का तमगा देने वाले विपक्षी दल सावधान हो जाए, क्योंकि दो प्रमाण सामने हैं। एक के बाद एक रामपुर लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत। इस जीत में उस नवाब परिवार की बड़ी भूमिका रही है जिसके खिलाफ झंडा बुलंद कर आजम ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी थी। नवाब परिवार ने इस बार खुलकर भाजपा का साथ दिया। जो कि आज के हालात हैं उसमें तो मैं देख रही हूँ कि लोगों का काफी रुझान बीजेपी की तरफ है।
आज के दिन। लेकिन ये कब तक चलेगा इसका कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये सब जो है जो बदलाव आता जाता है रहता है वो ज़्यादातर इससे ताल्लुक़ रखता है कि जो सरकार चला रही है जो सरकार बैठी है और जो चला रही है मुल्क को हमारे देश को, उसकी क्या नीति है, उसका क्या मकसद है और वो क्या चाहती है आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए जी, उनके ज़िंदगी जो आगे आने वाली उसके लिए, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। एबीपी गंगा को दिए खास इंटरव्यू में पूर्व मंत्री नावेद मियां ने साफ कर दिया था कि उनका समर्थन आकाश सक्सेना को है। बाद में नावेद मियां को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया था। उधर समाजवादी पार्टी रामपुर के नतीजे को एक वर्ग विशेष के वोटरों के खिलाफ योगी सरकार की कथित सख्ती करार दे रही है। मैंने इसी बात को कहा कि एक जगह की नहीं, वहाँ भी अगर प्रशासन जोर जबरदस्ती नहीं करता तो वो भी रिजल्ट हमारे फेवर में आने वाला था, क्योंकि तो देश की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के झूठे नारों से, बोखले नारों से अब ऊब चुकी है। अब किसान फसल की दुगनी आय भी चाहता है, डीजल पेट्रोल गैस की जो बढ़ी हुई कीमत है उस पर भी कम चाहता है, जो महंगाई बढ़ रही है उसको भी कम चाहता है। उधर रामपुर की जंग जीतने के बाद नवनिर्वाचित विधायक आकाश सक्सेना का दावा है कि रामपुर के मुसलमानों ने उन्हें हर बूथ पर वोट किया है और उन्हीं की वजह से ये जीत हुई है, अब वो रामपुर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करेंगे। साफ है कि रामपुर की जीत के मायने गहरे हैं और यूपी की भावी राजनीति में रामपुर एक बड़ा सेंटर बनने वाला है, जहां से भाजपा पसमांदा मुसलमानों को लुभाने का बड़ा संदेश देगी। रामपुर के नए विधायक बन चुके हैं आकाश सक्सेना और भाजपा अपने पसमांदा मुस्लिम वोट और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जगह जगह भाजपा के नेता यही कह रहे हैं कि जब हम रामपुर फतेह कर सकते हैं तो कोई भी गढ़ किसी का नहीं है, भाजपा कमल कहीं भी खिला सकती है। तो वैदुर रहमान, रामपुर। उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस अब एकला चलो का संदेश दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने एबीपी गंगा से बातचीत में कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, हम किसी के पास गठबंधन के लिए नहीं जाएंगे, जिसे गठबंधन करना है वो हमसे बात कर सकता है। इसका मतलब एक ही है कि कांग्रेस निकाय चुनाव में अपने दम पर ही उतरेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत करने कानपुर देहात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पार्टी की राज्य स्तर की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और लगे हाथ दावा कर दिया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हम गठबंधन के लिए खुद किसी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जिसे आना हो खुद आए। कांग्रेस क्षेत्रीय दल नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी किसी से हाथ मिलाने नहीं जाती है, जिसको हाथ मिलाने आता होता है उसके दरवाजे आते हैं। अब सवाल है कि किस पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन की बात की है? क्या यूपी के किसी विपक्षी दल ने कांग्रेस के साथ 2024 के चुनाव में गठबंधन का प्रस्ताव रखा है? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी की बातों में इस सवाल का जवाब गुम नजर आया, लेकिन कांग्रेस को अपने दम पर आगे ले जाने का भरोसा सातवें आसमान पर दिखा। कांग्रेस क्षेत्रीय दल नहीं है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी किसी से हाथ मिलाने नहीं जाती है, जिसको हाथ मिलाने आता होता है उसके दरवाजे आते हैं। राहुल गांधी जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा के तहत यूपी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले यूपी कांग्रेस का जोश हाई है। राजस्थान से होकर राहुल यूपी होते हुए हरियाणा का रुख करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा 5 दिन तक यूपी में जारी रहेगी। ये यात्रा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के इलाकों से होती हुई हरियाणा की तरफ रुख करेगी। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धुआंधार बयान दे रहे हैं। यूपी में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट आई थी, सिर्फ रायबरेली से सोनिया गांधी जीत पाई थी। राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के 50% महिला उम्मीदवार वाले दांव के बावजूद कांग्रेस महज 2 सीट पर ही सिमट गई। कांग्रेस ने 399 प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उतारे थे, जिनमें से 387 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा सके।
ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है और सवाल है कि क्या आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले दम पर कोई कमाल कर पाएगी। ब्रजलाल खाबरी का बयान सुनिए। क्या लग रहा है कांग्रेस अपने बलबूते पर अपनी दम पर निकाय और लोकसभा चुनाव लड़ेगी जीतेगी? अपने दम पर तो हमने हिमाचल जीता है, तो दूसरे के दम पर थोड़ी लड़ते हैं, कांग्रेस अपने दम पर लड़ती है। अच्छा ये बताइए कि चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों शोरों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगातार तंज कसती आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के पास बचा ही क्या है तंज कसने के अलावा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी दलित समाज से आते हैं, बसपा के संस्थापक कांशीराम के करीबी नेताओं में एक रहे हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस को यूपी में दोबारा खड़ा करने की चुनौती है। लेकिन यहां सवाल बड़ा है कि आने वाले चुनाव में क्या ब्रजलाल खाबरी दलित मतदाताओं को कांग्रेस से जोड़ पाएंगे, और अगर हाँ तो उस समीकरण का फॉर्मूला क्या है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर देहात से विकास धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कानपुर की धरती से अपराधियों को सीएम योगी के सख्त अल्टीमेटम की। कानपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सीएम योगी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर किसी ने शरारत की, डकैती डाली या फिर किसी भी वारदात को अंजाम दिया तो इस चौराहे पर वारदात होगी और अगले चौराहे पर पुलिस ढेर कर देगी। भारत माता की, भारत माता की। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे सख्त अल्टीमेटम है। संदेश साफ है कि छेड़ने वाले छोड़े नहीं जाएंगे, अपने किए की कीमत चौराहे पर चुकाएंगे। यह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक नए मॉडल के रूप में 18 एससीसीबी एक साथ ICCC के साथ इंटीग्रेट करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक-एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। सीएम योगी कानपुर में थे, यहाँ वे प्रबुद्ध सम्मेलन में जनता के बीच थे। मुख्यमंत्री ने कानपुर में 388 करोड़ रुपए की लागत की 272 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अगर किसी ने चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगे और अगले चौराहे तक पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। इस सम्मेलन के मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने विकास के लिए अच्छी कानून व्यवस्था को पहली शर्त बताया। उन्होंने कानपुर के उद्यमियों से यूपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने की अपील की। सीएम ने कारोबारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार के दौरान अपराधी दुस्साहस नहीं कर सकते। अगर किसी ने चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते इतने पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगे और अगले चौराहे तक पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। सीएम योगी के इस सख्त बयान को सपा ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सीएम योगी को नसीहत दी कि पुलिस को इतनी छूट ना दी जाए कि वो खुद ही इंसाफ करने लगे। आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानपुर में बयान दिया है कि शहरों को सेफ सिटी के नाम पर ये बताया है कि इस चौराहे पर कोई अपराध करे तो अगले चौराहे पुलिस को ढेर कर देगी। और बात तो चुभेगी में, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।